अब ये फिश मार्केट है, हम लोग फिश मार्केट में खड़े हुए हैं। इसको बाराकोटा भी है इनके पास, लॉट ऑफ डिफरेंट फिशेस। दरिया बीच और यहाँ पर बड़ा मजा आ रहा है एंड वी आर डूइंग फिशिंग हियर। और अभी तक कोई फिशिंग हुई नहीं है, अभी तक कोई फिश आई नहीं है हमारे हाथ में। और थैंक्स टू माय बाबा फॉर गिविंग मी टिप्स एंड ट्रिक्स रिगार्डिंग फिशिंग। तो मेरे पास थोड़ा सा लिटिल एक्सपीरियंस है फिश का, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कोई आ जाए विद प्रॉन्स विद स्क्विड्स एज अ बेट। एंड आई एम रियली इंजॉइंग दिस मॉर्निंग, बट सन इज नॉट राइजिंग येट हियर एंड स्काई इज क्लाउडी एंड रेन का शायद एक समय है, हवा बिल्कुल भी नहीं है, रुका हुआ है पानी, जिसकी वजह से जो है वो अभी तक बारिश नहीं हुई है। हम वेट कर रहे हैं कि बारिश हो जाए तो हम जो है वो इन्जॉय करें। सो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड कीप वॉचिंग। यहाँ पर क्रैब्स हैं, वो सबसे बड़ा क्रैब एक नज़र आ रहा होगा आपको, ये नाश्ता करने आए हुए हैं यहाँ पर। और मैं इनको देख रहा हूँ, ये चाय पराठा वगैरह खा रहे हैं यहाँ पर बैठ के, इनका जो सी का जो भी फूड है। मैंने इनको प्रॉन दिया है तो प्रॉन खा रहा है वो, और आप देखते हैं कि फिश आती है या नहीं आती हमारे पास। तो हम आपको वक्त फिर बताते रहेंगे कि हम कहाँ तक पहुँचे। कीप वॉचिंग एंड एंजॉय द फिशिंग विद आशा वोडेक्स और एट द प्लेस दो दरिया। और बहुत खूबसूरत प्लेस है बट बहुत दूर है मेरे घर से। अगर ये है कि मज़ा आया या फिशरमैन घूम रहे हैं या फिर बोट जा रही है, वो बोट दिखाना। और बोट बहुत सारी हैं, ये लोग फिशिंग कर रहे हैं इस पर, मजा आ रहा है। ये छोटा सा झींगा बचा है, मैंने पूरा लगाया था, खा गई है वो, और अब इसको फेंकना पड़ेगा क्योंकि ये किसी काम में। तो मैं ये क्रैब को देखता हूँ, क्रैब जो है वो बहुत बड़ा केकड़ा है, इनसे दिखाना जरा। ये जा रहा है, ये जो है वो नाश्ता करने आया है यहाँ पे। सो गाइस वी आर डूइंग फिशिंग हियर एंड अगर कोई आ गई तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा। तब तक के लिए हम यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं। Look at this, the breakfast with crab here. I'm really enjoying. इनका खाने देखे खाने आए हुई ये आया ओके गया। Oh my God. देख रहे हैं कि ये इसको पकड़ रहा है और ये अपना खाना खा रहा है। मैं अगर इसको पकड़ूं तो ये बहुत ग्रिपी है, ये ऊपर नहीं आ सकता। ये लव प्रॉन्स, हाँ क्या खा रहे हैं यार, पूरा मैंने छोड़ ही दिया। छोड़ दो भाई, मैं दूसरा दे दूंगा भाई, ले गया। Boats are still going on for the fishing and we are still going on with the fishing here and बड़ा मजा आ रहा है यहाँ पे। हवा बिल्कुल भी नहीं है, बारिश का थोड़ा सा समय है, लेकिन I'm really enjoying this place क्योंकि जो सीन था क्रैब को प्रॉन खिलाने का was really wonderful and पीछे भी मानोगे तो वो बैठी हुई है, उसको भी प्रॉन दिए हमने पीछे, ये भी प्रॉन खा रही है। और हमारा जो मिशन है वो यही है कि अगर फिश नहीं लगी
क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सीजन में लगेगी, हवा भी कम है, वो बिल्कुल कम है, हो सकता है लग ही जाए, आई एम नॉट श्योर। तो हम जो बेट है वो यहाँ पे क्रैब्स और इनको मानो को और बाकी क्लोज ऊपर ओढ़े इनको खिलाकर जो है वो चले जाएंगे। सो दैट इज़ द थिंग। एंड नेक्स्ट टाइम हम दोबारा व्लॉग बनाएंगे, दोबारा यहाँ आएंगे। अभी हमारे पास इक्विपमेंट्स पूरी नहीं है और बेट हमारे पास है, लेकिन हमारे पास डोरे भी हैं, लेकिन कांटे हमारे पास पूरे नहीं है, जिसकी वजह से फिश को हम समझ नहीं पा रहे पानी में। शायद ये वजह है कि ये नहीं आ रही है, क्योंकि हमने इसके साथ वेट भी लगाया हुआ है। तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट एंड सी यू सून गाइस। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड वेलकम यू इन माई चैनल। एंड कीप वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माई चैनल। एंड सून वी क्रिएटिंग द नेक्स्ट व्लॉग when we came back here again. Take care. Allah Hafiz.